हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फाइनली आ चुकी है। इस वीडियो में मैं बताने आया हूँ जोन वाइज पोस्ट डिटेल्स, यानी कि टोटल 21 जोन होते हैं रेलवे के, टोटल 21 जोन में कितना कितना वैकेंसियाँ है वो भी मैं इस तरह से बताऊँगा। 12th के लिए कितना है और ग्रेजुएशन के लिए कितना, ये सारी बातों को आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से डिटेल से बताऊँगा। और आप देख सकते हैं मेरे थंबनेल में जहाँ बताया जा रहा है कि कौन सा जोन आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही मैं बताया हूँ यहाँ पर, यह भी लिख दिया हूँ कि फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे, रियली में आप पछताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में सारी बातों को क्लियर करूँगा। इसी जोन से फॉर्म को अप्लाई करें, और जब मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा जोन में कितना कितना वैकेंसी है, ताकि आपको सही तरीके से पता चल जाए कि किस जोन से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। हाँ दोस्तों, ये रहा टोटल जोन वाइज आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, और ग्रेजुएशन में टोटल कितनी वैकेंसियाँ आई है, और 12th लेवल के लिए कितना वैकेंसियाँ आई है। इस तरह से टोटल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये जो टोटल वैकेंसियाँ है, जितना भी जोन वाइज जो वैकेंसियाँ है, टोटल डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर वैकेंसी डिटेल्स, यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पर वैकेंसी है, उसके बाद उससे कम कहाँ पर वैकेंसी है, उसके बाद उससे कम कहाँ वैकेंसी है, ये टोटल आपको ग्रेजुएशन और 12th दोनों के कंपेयर के अनुसार आपको बताऊंगा। तो आप आसानी से उस जोन से जाकर फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आप वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं पहला देख सकते हैं क्या है, इलाहाबाद। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इलाहाबाद में जो वैकेंसी है, टोटल 4099 वैकेंसियाँ हैं इलाहाबाद में, जहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के लिए टोटल 3000 वैकेंसियाँ हैं समथिंग्स हैं, और 12th लेवल के लिए 12th बेसिस के अनुसार पर टोटल 952 वैकेंसियाँ है। दोस्तों इस तरह से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों इसी भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कौन कौन सा बेस्ट बुक है एनटीपीसी प्रिपरेशन के लिए, तो मैं 4 बुक या 3 बुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डेट आप उस लिंक को क्लिक कर उस बुक को परचेज कर अपना आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं एनटीपीसी वैकेंसी के लिए, एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर देख सकते हैं मुंबई, इलाहाबाद के बाद जो मुंबई आता है, जहां पर सबसे ज़्यादा वैकेंसियां हैं, टोटल 3600 समथिंग्स वैकेंसियां हैं। और चल लेते हैं, देख लेते हैं ग्रेजुएशन पे कितना है, तो ग्रेजुएशन पे टोटल 2500 लगभग वैकेंसियां हैं। उसके बाद देख सकते हैं 12th पे, तो 12th पे टोटल 1071 वैकेंसियां हैं। और नेक्स्ट दोस्तों थर्ड नंबर देख सकते हैं जो आता है सिकंदराबाद जो थर्ड नंबर पर आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, टोटल 3200 समथिंग्स वैकेंसियाँ हैं। और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर टोटल 2300 समथिंग वैकेंसियाँ हैं। और बच गया 12th बेसिस पे, तो टोटल 855 वैकेंसियाँ हैं। और दोस्तों, मैं ऑलरेडी जो ये वैकेंसियाँ आई है आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन पे, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख लीजिएगा, और हो सके तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। पूरा डिटेल्स वहाँ बताया गया है कि किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, सिलेबस क्या है, फॉर्म भरने में कितना फी लग रही है, टोटल डिटेल से बताया गया है। वो वीडियो, उस तरह का वीडियो कोई आपको कोई अदर चैनल में नहीं भी मिल पाएगा, क्योंकि उस वो वीडियो थोड़ी लंबी है, ज़रूर आप उसको देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ उसमें बताया गया स्टेप बाय स्टेप। चलिए दोस्तों, वापस आ जाते हैं मैं अपने वीडियो पर, जहाँ देख सकते हैं 4 नंबर जो है कोलकाता जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं सिकंदराबाद के बाद, देख सकते हैं टोटल लगभग 3000 पोस्ट है। और बात करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो ग्रेजुएशन के लिए टोटल 1700 पोस्ट है, और ये ट्वेल्थ के लिए टोटल 1100 पोस्ट है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 4 के बाद 5 नंबर, जहाँ पर चेन्नई आता है, कोलकाता के बाद चेन्नई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जहाँ पर देख सकते हैं टोटल 2600 समथिंग्स पोस्ट है। उसके बाद 1771 पोस्ट है जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए है, और 925 पोस्ट है जो 12th लेवल के लिए है। और नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर दोस्तों देख सकते हैं जो चंडीगढ़, यानी कि चेन्नई के बाद अब आता है चंडीगढ़, जहाँ पर टोटल 2400 समथिंग्स पोस्ट है दोस्तों, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए टोटल 1600 पर पोस्ट है। और नेक्स्ट है जो 12th लेवल के अनुसार टोटल 861 पोस्ट हैं। और दोस्तों जो मेरा जब मैं बना रहा था, तो थोड़ा जो इसका नंबर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और जो मेरा रेटिंग है थोड़ा गंदा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। 6 के बाद आते हैं दोस्तों 7 नंबर, जो देख सकते हैं ये रहा 7 नंबर
थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया मुझसे, जो सेवन नंबर आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सेवन नंबर जो आता है आपका बेंगलोर, तो सेवन नंबर पे आता है बेंगलोर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ है आपका चंडीगढ़ के बाद, जहाँ पर टोटल 2400 लगभग वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के लिए 1700 वैकेंसियाँ हैं, उसके बाद ट्वेल्थ के लिए टोटल 754 वैकेंसियाँ है। उसको आते हैं दोस्तों 8 नंबर आ सकते हैं अजमेर, जहाँ पे लगभग 1700 से ज़्यादा वैकेंसियाँ है, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए टोटल 1300 से ज़्यादा वैकेंसियाँ है। अब बात करते हैं ट्वेल्थ के लिए, तो 410 पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 9 नंबर, जो देख सकते हैं यहाँ पर रांची है, 9 नंबर जो रांची है दोस्तों देख सकते हैं जो अजमेर के बाद आ रही है, जहाँ पर टोटल 1300 समथिंग्स पोस्ट है, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए 900 समथिंग्स पोस्ट है, और ट्वेल्थ के लिए टोटल 408 पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों 10 नंबर, जहाँ देख सकते हैं गोरखपुर, गोरखपुर में दोस्तों इस बार जो वैकेंसियाँ हैं ये कम कर दिया गया है। पिछले साल जो आया था, पिछले ईयर्स जहाँ पर देखा था गोरखपुर में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसियाँ थी, लेकिन इस बार कम हो गई है, जहाँ देख सकते हैं 1200 समथिंग्स पोस्ट है, और ग्रेजुएशन के अनुसार टोटल 771, और ट्वेल्थ के अनुसार टोटल 527 पोस्ट है। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन के अनुसार फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आप अपना ग्रेजुएशन के अनुसार देख लीजिएगा कौन सा जहाँ कहाँ पर किस जोन में ग्रेजुएशन के अनुसार कितना कितना सीट है, आप उसके अनुसार देख लीजिएगा। जो लोग ट्वेल्थ के अनुसार अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो वो लोग देख लीजिएगा किस जोन में कितना कितना वैकेंसी है ट्वेल्थ के अनुसार है। इसी कारण मैं सारे बातें को डिटेल्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने आया हूँ। तो दोस्तों इसी बीच वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे बस मैं यही चाहता हूँ आपका प्यार मेरे साथ बना रहे, इसके लिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट दोस्तों जो 10 नंबर देख सकते हैं, ये 12 नंबर, नेक्स्ट दोस्तों 10 के बाद 11 नंबर, आपको मैं बताया था कि कुछ में से गलती हो चुका है, जो नोमेरिकल में ऊपर नीचे हो चुकी है। 11 नंबर जो आता है बिलासपुर आता है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं बिलासपुर में टोटल 1200 सीट है, और ग्रेजुएशन के लिए टोटल 1000 सीट है लगभग, और टोटल ट्वेल्थ के लिए 183 सीट है। 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर में आते हैं वापस ऊपर, जहाँ देखते हैं मालदा, मालदा में टोटल लगभग 1043 सीट है, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए 741 सीट है, और ट्वेल्थ के लिए टोटल 302 सीट है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं 12 के बाद 13 नंबर, जो हमारा स्टेट यानी कि पटना हो गया दोस्तों, बिकॉज मैं पटना से बिलोंग करता हूं, पटना में टोटल 1039 सीट है, बहुत ही कम है सीट है दोस्तों। तो आई थिंक मुझे भी ये फॉर्म फिल करना है, तो मैं पटना जोन से फॉर्म नहीं फिल करूँगा, मैं एवरेज जोन से फॉर्म फिल करूँगा, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा कम, एवरेज जोन से फिल करूँगा। तो आई थिंक दोस्तों मैं बता देता हूँ, चलिए थोड़ा सा मैं, तो हो सके तो मैं कोलकाता से फॉर्म को फिल करूँगा, क्योंकि बिहार से कोलकाता नज़दीक है, मैं आसानी से आ जा सकता हूँ, अगर जॉब लगती है तो कोलकाता अच्छा खासा शहर है, तो मैं कोलकाता से हो सके तो अप्लाई करूँगा। आपको जो सुविधा मिलती है वहाँ से अप्लाई कीजिएगा। और हाँ दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि बहुत लोग ऐसे दोस्त हैं मेरे, जो लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं बस उसी स्टेट में जाकर फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, उसी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, वो देखते नहीं है कि कौन सा जोन में कौन सा स्टेट में कितना कितना वैकेंसी है, ये सब नहीं देखते हैं, बस वो अपने स्टेट के अनुसार वैकेंसी फॉर्म को फिल कर देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आपके लिए हानि होगी, बस आप अपना डिटेल से देख लीजिएगा किस जोन में कितना कितना वैकेंसियाँ है, ताकि आप जो फॉर्म फिल करें तो आपको पता रहेगा कि इस जोन से फॉर्म फिल करेंगे तो मुझे ज़्यादा चांस है मुझे जॉब मिलने का, जो कट ऑफ है ज़्यादा चांस है अदर स्टेट से अपेक्षा यहाँ पर कम कट ऑफ हो जाएगा, कम जाएगा, या ज़्यादा चांस है कि आपको जॉब मिल सके। तो बस आप ये सब सोचकर अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाकर आया हूँ, जहाँ से आपको सुविधा मिलेगी और आप सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, मैं सभी जोन वाइज टोटल स्टेट वाइज सारी बातों को क्लियर बता रहा हूँ कि इतना इतना वैकेंसियाँ है। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आप देख सकते हैं पटना के बाद जो आता है 14 नंबर, जो ये हो गया आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद में टोटल 1024 पोस्ट है, जहां पर ग्रेजुएशन के लिए टोटल 591 हो गया, और ट्वेल्थ बेसिस पर 433 पोस्ट हो गया। उसके बाद 14 नंबर पर आता है भोपाल, भोपाल में बहुत कम सीट दिया गया इस बार, और पिछले साल जो था भोपाल में भी अच्छा खासा सीट था, लेकिन इस बार बहुत कम दिया गया, टोटल देख सकते हैं 997 यानी कि 1000 से भी कम, और ग्रेजुएशन के लिए टोटल 694 है, और ट्वेल्थ बेसिस पर 303 पोस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं 15 के बाद 16, जो देख सकते हैं जम्मू एंड श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर दोनों को कंबाइन करके आपको वैकेंसी दिया गया है, ऐसा नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हो गया और श्रीनगर दोनों कंबाइन करके टोटल 898 पोस्ट है NTPC के लिए, उसमें ग्रेजुएशन के लिए टोटल 596 है, और ट्वेल्थ के लिए टोटल 302 पोस्ट है। 17 यहाँ पर दोस्तों
ये रहा 17 नंबर, जहाँ पे तिरुवनंतपुरम में है, टोटल तिरुवनंतपुरम में कितना वैकेंसियाँ है तो 897 वैकेंसियाँ है, जहाँ ग्रेजुएशन के लिए 671 वैकेंसियाँ है और ट्वेल्थ के लिए टोटल 226 वैकेंसियाँ है। 17 के बाद दोस्तों आ सकते हैं 18 पे, देख सकते हैं आप गुवाहाटी, गुवाहाटी में कम सीट है, देख सकते हैं 851 सीट है टोटल, जहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए टोटल 523 सीट है और ट्वेल्थ के लिए टोटल 328 सीट है। उसके बाद दोस्तों आते हैं 18 के बाद 19, मैं आपको बताया था कि टोटल जोन वाइज बताऊंगा और आपको पता होगा बिहार भारत रेलवे में टोटल 21 जोन है, टोटल 21 जोन को मैं स्टेप बाय स्टेप टोटल क्लियर करके बताऊंगा। तो दोस्तों इसी बीच वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल से अपडेट रहना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह का गवर्नमेंट फॉर्म से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर तरह का अपने चैनल के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। जैसे कि कोई कोई जो नया स्कीम आया उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, या स्टेट लेवल का जो वैकेंसी आती है उस पर वीडियो बनाकर देता हूँ, हर तरह का वीडियो मैं अपने चैनल के थ्रू अपने चैनल से इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल से बना रहिएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो आप देख सकते हैं 19 नंबर जो है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में देख सकते हैं टोटल 498 पोस्ट है, 500 से भी कम है, जिसमें ग्रेजुएशन के लिए 342 पोस्ट है और ट्वेल्थ के लिए 156 पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों आते हैं 19 के बाद 20 जो आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी हो गया, सिलीगुड़ी में टोटल 443 पोस्ट है और 270 पोस्ट जो है ग्रेजुएशन के लिए और 174 पोस्ट है ट्वेल्थ बेसिस पर। और लास्ट बच गया जो हमारा किस्मत जोन है मुजफ्फरपुर दोस्तों। तो बिहार में टोटल दो जोन आता है रेलवे में, एक हो गया पटना, एक हो गया मुजफ्फरपुर, इन दोनों में सबसे कम वैकेंसियाँ हैं। मुजफ्फरपुर देख सकते हैं दोस्तों पूरे रेलवे का जोन में सबसे लास्ट में मैं उसको रखा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे कम सीट है, टोटल सीट 329 सीट है मात्र, और इस 329 में से 195 सीट ग्रेजुएशन के लिए है और 134 सीट है जो ट्वेल्थ बेसिस पर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा वीडियो क्लियर हो समाप्त हो चुकी है दोस्तों। मैं सभी जोन को स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ कि कितना कितना टोटल वैकेंसियाँ है, ग्रेजुएशन के अनुसार टोटल कितना वैकेंसियाँ है, ट्वेल्थ के अनुसार कितना वैकेंसियाँ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों मैं कितना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना कर लाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस मेहनत के लिए आप एक लाइक तो कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊंगा या इसी तरह का अपडेटिंग देने आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी।